उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज सेंट्रल जेल में डेढ़ हफ्ते पहले 5 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर जेल में बंद 700 कैदियों में से 52 कैदियों की रैंडम सैंपलिंग की गई थी, जिसमें से 5 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 5 बंदी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 660 बंदियों के सैंपल लिए गए थे। रुद्रपुर कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि 660 बंदियों में से 300 बंदियों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, जो कि नेगेटिव आई है। बाकी 360 बंदियों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जब तक बाकी बंदियों की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक जेल प्रशासन की नींदें उड़ी रहेंगी। देखिए, शुरू में एक रैंडम सैंपलिंग की गई थी, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे वो सैंपलिंग हुई थी, तो उसमें से करीब 52 सैंपल्स में से 5 लोग पॉजिटिव आए थे। उसके बाद 660 लोगों के हम लोगों ने सैंपल्स ऑल लिए हैं, जिसमें से करीब 300 लोगों के सैंपल्स अभी तक नेगेटिव आ चुके हैं और बाकियों के सैंपल्स के रिजल्ट अभी अवेटेड हैं।